Today we are going to discuss about the Fraunhofer diffraction at a single slit. So here we consider a monochromatic light source of wavelength lambda. Here we put a monochromatic light source here. In front of this we put up a lens. So इस lens का जो focus है हमने focus पर हमने क्या source रख दिया monochromatic light source. तो इससे हमारे पास जो है parallel rays हमारे पास आ जाएंगे. तो ये पैरेलल रेज हमारे पास ये आती है यहाँ से ऐसे. तो पैरेलल रेज कहाँ से जाएंगी? स्लिट ए बी से जाएंगी. हमारे पास क्या है? स्लिट ए बी. ए बी जो है स्लिट है जिसकी विड्थ हमने सपोज की स्मॉल ई. तो ये दो कॉन्वेक्स लेंस है एल वन एंड एल टू. दूसरे कॉन्वेक्स लेंस पर जब ये रेज फॉल करती है तो ये जो वाली रेज है ये यहाँ पर सेंटर पर सेंटर पॉइंट ओ पर फॉल मिल जाएंगी जिससे हमारे पास सेंटर ब्राइट बैंड बनता है, फेज बनती है या बैंड बनता है. और ये जो दो और रेज है जो डिफ्रेक्टेड होंगी इससे वो एट पॉइंट पी पर मिलेंगी ना. यहाँ से एजिस से ये डिफ्रेक्ट होती है तो ये पी पॉइंट पर मिलेगी. यहाँ पर भी हमारे पास ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी. तो ये हमें पैटर्न हमें देखना है कि ब्राइट कब है, किस पोजिशन पे है, डार्क किस पोजिशन पे फ्रिंज मिलती है, वो दैट वी हैव टू सी. तो ये जो हम देखते हैं कि हमारे पास ए बी से जो डिफ्रेक्टेड रे हुई है जो पी पर पहुंची है उस रेज में जो पाथ डिफरेंस है वो बी के बराबर है. तो हियर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इससे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा. ये एंगल जो जिस एंगल से डिफेक्ट होती है वो एंगल हमने सपोज किया थीटा. तो ये एंगल थीटा है तो ये हमारे पास ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है. तो ये एंगल हमारे पास थीटा हो जाएगा और ये एंगल हमारे पास 90 माइनस थीटा हो जाएगा. तो पार्ट डिफरेंस हमारे पास क्या जाएगा? बी के. तो इन ट्राइंगल दिस जो बी के है वो हमारे पास ए बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा और ए बी की वैल्यू स्मॉल ई है तो स्मॉल ई साइन थीटा हो जाएगा. तो फेज डिफरेंस जो है वो कितना हो जाएगा हमारे पास? जैसे हमने पहले लेक्चर्स में बताया है वो 2π/λ इनटू पार्ट डिफरेंस और 2π/λ पार्ट डिफरेंस जो है वो ई साइन थीटा के बराबर हो जाएगा. तो लेट द विड्थ ए बी ऑफ द स्लिट be divided into small and equal parts. The amplitude of variation at P due to the waves from each part will be same, say equal to alpha. The phase difference between the waves from any two consecutive parts, वो कितना है हमारे पास? 1/n 2π/λ e sin theta और इसको हमने suppose d किया तो इसको हमने n equal parts में divide कर दिया इस slit को. तो उससे जो हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा वो 1/n आ जाएगा ईच पार्ट से. तो उसको हमने कहा डी के बराबर. तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पी इज गिवन बाय कितना होगा? आर विल बी इक्वल टू ए साइन एन डी डिवाइड बाय साइन डी बाय टू. ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. तो ए साइन एन डी बाय टू की जो वैल्यू है इस इक्वेशन से वो क्या आ जाएगी? पाई साइन थीटा अपॉन लैम्डा. और d by 2 की इस इक्वेशन से जो वैल्यू आ जाएगी पाई sin थीटा डिवाइड बाय n लैम्डा आ जाएगी. यहां पर पाई लैम्डा अपॉन लैम्डा को हमने सपोज किया अल्फा, देन r जो हमारे पास वो क्या बन जाएगा? a sin अल्फा डिवाइड बाय sin अल्फा अपॉन n, यानी कि a sin अल्फा डिवाइड बाय अल्फा अपॉन n. तो ये आ जाएगा n a sin अल्फा डिवाइड बाय n. ये क्या है? स्मॉल a हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ ईच डिफ्रेक्शन. जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है डिफ्रेक्शन का उसमें जो सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशंस होते हैं उनका एक का एम्पलीट्यूड ये ए है जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. तो एन क्या है? हमारे पास इन्फिनिटी है नंबर ऑफ डिफ्रेक्शन जो पीक पर तक पहुंचे हैं वो एन की वैल्यू हमने इसको एन जो है इनफाइनाइट भागों में डिवाइड कर सकते हैं या ज्यादा भागों में डिवाइड कर सकते हैं. तो एन टेंस टू इन्फिनिटी तो ए टेंस टू जो है वो जीरो, क्योंकि हमारे पास जो है ए की वैल्यू एन के कंपेरिजन में बहुत कम होगी. सो बोथ द प्रोडक्ट एन ए रिमेंस फाइनाइट और एन ए को हमने सपोज किया कैपिटल ए. तो जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? आर इक्वल टू ए साइन अल्फा डिवाइड बाय अल्फा. तो ये इंटेंसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी? इंटेंसिटी आई विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर और आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर साइन अल्फा डिवाइड बाय अल्फा का होल स्क्वायर आ जाएगी. अब इसमें हमें फाइंड आउट करनी है डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि मैक्सिमा कहाँ पर होगा मिनिमा कहाँ पर होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. तो इस इंटेंसिटी के फॉर्मूले से हम पता लगा सकते हैं कि इंटेंसिटी इज मिनिमम कब होगी? जब ये हमारे पास जीरो हो जाए, मिनिमम वैल्यू जीरो हो जाए साइन अल्फा अपॉन अल्फा तो जीरो हो जाएगी. तो साइन अल्फा अपॉन अल्फा जीरो होकर बराबर हो जाएगा, इसका मतलब मीन साइन अल्फा जीरो और अल्फा को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस एम पाई. एम की वैल्यू क्या हो सकती है इसमें? 1, 2, 3, यानी कि प्लस पाई
टू पाई थ्री पाई या माइनस पाई माइनस टू पाई पर क्या होगा, मिनिमा हमारे पास होगा। अल्फा की वैल्यू जो है वो कितनी है, पाई साइन थीटा अपॉन लैम्डा, तो ये वैल्यू इसमें पुट अप कर दीजिए यहाँ पर, तो पाई साइन थीटा अपॉन लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई, ई साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस माइनस एम लैम्डा के बराबर हो जाएगा। तो दिस गिव्स मिनिमा फॉर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन टू थ्री, तो ई साइन थीटा जो है प्लस माइनस वन टू थ्री हो जाएगा। फॉर मैक्सिमा हमें निकालना होगा, हम जैसे मैक्सिमा हम पहले ट्वेल्थ क्लासेस में निकालते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके लिए डी बाई डी अल्फा की वैल्यू डिफरेंशिएट जो है, डिफरेंशिएटिंग अगर करें आई को विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो वो क्या होनी चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। तो डी बाई डी अल्फा ऑफ ए स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा ए स्क्वायर टू साइन अल्फा डिवाइड बाई अल्फा इनटू डी बाई डी अल्फा साइन अल्फा अपॉन अल्फा इक्वल टू जीरो, और ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर साइन टू साइन अल्फा डिवाइड बाई अल्फा इनटू, ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइड बाई अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और यू कैन से अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू जीरो और अल्फा कोस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा, यानी कि टेन अल्फा बराबर जो है हमारे पास अल्फा के बराबर हो जाएगा, और उसको हमने सपोज किया वाई, तो वाई इक्वल टू अल्फा एक इक्वेशन आ जाएगी और वाई इक्वल टू टेन अल्फा दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। अब वाई और अल्फा में आप जब ग्राफ खींचे तो वाई इक्वल टू अल्फा के लिए तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, वाई इक्वल टू अल्फा के लिए एक स्ट्रेट लाइन आएगी जिस जो कि हमारे पास 45 डिग्री एक्स एक्सिस से कितना होगा 45 डिग्री पर होगी, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो ये हमारे पास जो है अब वाई इक्वल टू टेन अल्फा के लिए जो ग्राफ है वो ग्राफ ऐसे आएगा, ये ग्राफ जो है वाई इक्वल टू टेन अल्फा के लिए आते हैं, ये वाई ग्राफ इक्वल टू टेन अल्फा के लिए ये ग्राफ आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि टेन अल्फा टेन वाई जीरो पर अल्फा इक्वल टू जीरो पर वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी और वाई की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो ये क्या हो जाती है टेन अल्फा जो है जीरो अपॉन यानी कि इनफाइनाइट हो जाए ये वाई इक्वल टू अल्फा, तो ये हमारे पास जो है 90, अगर ये 90 हो जाए तो साइन 91 और ये कॉस 90 जीरो होता है तो वाई इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगी इस पर, तो ये इनफाइनाइट होगी 90 डिग्री पाई बाय टू थ्री पाई बाय टू और फाइव बाई बाई टू पर ये इनफाइनाइट हो जाएगी, तो ये जीरो से इनफाइनाइट ऐसे ही है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाएगी ना। अब अगर हम देखें इंटरसेक्शन की बात करें तो एक इसका वाई इक्वल टू अल्फा और वाई इक्वल टू टेन अल्फा का जो इंटरसेक्शन है वो यहाँ पर कट करता है, फिर ये यहाँ पर कट करेगा इस पर, फिर यहाँ पर कट करता है ये हमारे पास इंटरसेक्शन है, तो वाई इक्वल टू जीरो के बाद में वाई इक्वल टू थ्री बाई बाई टू वाई इक्वल टू फाइव बाई बाई टू पर ये इंटरसेक्ट करता है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई इक्वल टू अल्फा वाई इक्वल टू टेन अल्फा गिव्स द वैल्यूज ऑफ वाई अल्फा इक्वल टू जीरो थ्री बाई बाई टू फाइव बाई बाई टू एंड 7 पाई बाय 2 पर हमें इंटरसेक्शन मिलेंगे, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी 0 1.430 2.46 20 पाई है ना 1.430 पाई और 2.46 2 पाई 3.47 1 पाई, तो दस द इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा जो है हमारे पास जो सेंट्रल मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी होगी वो आई बराबर क्या हो जाएगी ये आ जाएगी मैक्सिमम, ये जो इंटेंसिटी होगी मैक्सिमम होगी ए स्क्वायर साइन जीरो अपॉन जीरो का होल स्क्वायर आ जाएगी और ये वैल्यू जो है वो वन के बराबर होती है साइन जीरो अपॉन जीरो, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा, तो एट द सेंटर जो है हमारे पास जब थीटा इक्वल टू जीरो होगा तो उस पॉइंट पर हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सब्सिडरी मैक्सिमा। इसके बाद कहाँ पर मैक्सिमा आएगा हमारे पास आई वन इक्वल टू हमारे पास आएगा यानी कि इसको हम आई जीरो भी कह सकते हैं आई जीरो बराबर दिस, तो आई वन इक्वल टू ए स्क्वायर पाई की वैल्यू ये अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी नेक्स्ट में थ्री पाई बाई टू, तो साइन थ्री पाई बाई टू डिवाइड बाई थ्री पाई बाई टू का होल स्क्वायर दैट विल बी नियरली इक्वल टू आता है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो ए स्क्वायर बाई 22 आता है, तो आई टू नेक्स्ट अल्फा की वैल्यू लें फाइव पाई बाई टू आई टू जो है ए स्क्वायर ब्रैकेट में साइन पाई बाई टू अपॉन फाइव बाई बाई टू का होल स्क्वायर और नियरली इसकी वैल्यू ए स्क्वायर अपॉन 62 आती है एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू हमने मैक्सिमा की निकाली, जो मैक्सिमा हमारे पास यहाँ पर मिलता है ये प्राइमरी मैक्सिमा मिलता है सेंट्रल स्पॉट। तो क्लियरली मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज कंसिडर्ड
इन द प्रिंसिपल मैक्सिमा विच अकर्स इन द डायरेक्शन गिवन बाय अल्फा इक्वल टू जीरो पर। तो अल्फा इक्वल टू जीरो की बात करें तो पाई साइन थीटा अपॉन लैम्डा इक्वल टू जीरो, तो साइन थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा इससे, इससे हमारे पास साइन थीटा क्या हो जाएगा जीरो, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। तो दैट इज द इन द सेम डायरेक्शन एज ऑफ द इंसिडेंट लाइट, क्योंकि थीटा जो है जब भी जीरो होगा जब इंसिडेंट लाइट जो है हमारे पास द जो है वो सेंट्रल मैक्सिमा इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट के बराबर। तो यहाँ पर ओ पर हमें क्या मिल जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा मिल जाएगा। इफ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड द अल्फा, में हम प्लॉट करें तो ग्राफ ये इस तरह से आएगा हमारे पास। ये हमारे पास किसको शो करता है, प्रिंसिपल मैक्सिमा का शो करता है एट ओ। इसके बाद हमारे पास जो मैक्सिमा है वो कहां पर आएगा, 3π/2 पर। तो ये सब्सिडियरी मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा, ये हमारे पास फर्स्ट मैक्सिमा 3π/2 पर, ये सेकंड मैक्सिमा। इसी तरह से इन द रिवर्स डायरेक्शन ये फर्स्ट मैक्सिमा उसके बाद सेकंड मैक्सिमा। एज वी हैव सीन दो कि हमारे पास इंटेंसिटी की जो वैल्यूज है a² a² / 22 a² / 62, यानी कि जो इंटेंसिटी है वो बहुत तेजी से घटती जाती है। तो ऐसे ही हमारे पास हम यहाँ देखेंगे तो ये सेंटर पर ये इंटेंसिटी a² है, और उसके बाद ये इंटेंसिटी हमारे पास a² / 22, यानी कि 22 से डिवाइड हो जाएगा इंटेंसिटी, इतना हमारे पास फर्क आ जाएगा। तो ये हमारे पास आएगी। इसी तरह से जो हमारे पास मिनिमा है, मिनिमा वो हमारे पास कहाँ मिलेगा, इन दोनों के बीच में मिलेगा। तो मिनिमा जो मिलता है हमें वो मिल रहा है 3π/2, 5π/2 है ना, और इसी दूसरी साइड में -3π/2 और ये -5π/2 पर, ये हमारे पास ये तो क्या नाम था मैक्सिमम मिला था। और मिनिमा जो मिल रहा है हमारे पास, मिनिमा मिल रहा है π, 2π, 3π, -π, -2π, -3π पर मिनिमा मिल रहा है। ये हमने मिनिमा वाली कंडीशन है ना, π, 2π, 3π पर मिनिमा, -π, -2π, -3π पर मिनिमा, और जो मैक्सिमम मिल रहा है जीरो पर, प्रिंसिपल मैक्सिमा 3π/2, 5π/2 पर, फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा, ऐसे ही -3π/2 और -π/2 को फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा इन द अपोजिट डायरेक्शन हमें मिलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन एट ए सिंगल स्लिट, एट ए सिंगल स्लिट वी हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।